और छत्तीसगढ़ से एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना सामने आई है। बिलासपुर की एक खबर, जहां दशहरा कार्यक्रम के दौरान चाकूबाजी हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। करीब 20 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। महिलाओं से भी मारपीट की गई है। बताया जा रहा है कि मोहल्ले के लोगों से मामूली बात पर बदमाशों का विवाद हुआ था, और इस विवाद के बाद देखे किस तरह से चाकूबाजी की घटना सामने आई। दशहरा कार्यक्रम के दौरान चाकूबाजी की घटना, और आरोपी नशे में धुत भी लग रहे हैं शायद। इस वारदात को अंजाम दिया, मोहल्ले में ही किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। जानकारी हम लेंगे, हमारे साथ संवाददाता उमेश मौर्य फोन लाइन पर जुड़ गए। उमेश, छत्तीसगढ़ से चाकूबाजी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं, इस घटना के बारे में बताइए, क्या कुछ जानकारी, किस बात को लेकर विवाद हुआ था और क्या आरोपी गिरफ्त में है? जय, देखिए, बीते कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में लगातार चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही है। इसमें अगर हम राजधानी की बात करें तो वहां भी लगातार चाकूबाजी की घटनाएं हो रही है। यदि हम न्यायधानी की बात करें तो बिलासपुर न्यायधानी में भी लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है। बीती रात को ये एक घटना सामने आया, जिसमें वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाई दे रहा है साफ तौर पे कि कुछ युवक एक फैमिली को मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान जो झगड़ा हुआ इस बीच सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के कतियापारा में, तो वहां पर एक मामूली विवाद को लेकर वहां पर दो गुटों में आपसी झगड़े हुए और झगड़ा घर जाकर पहुंच गया। और वहां पर जो 5-6 लड़के जो दिखाई दे रहे होंगे सीसीटीवी और जो वीडियो में, वो उन्होंने ताबड़तोड़ उन पर हमला कर दिया और चाकू लगातार उनके ऊपर हमला कर दिया, जिससे एक युवक की मौत हो गई है। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन कारण क्या है इस पूरी घटना का, इसको लेकर भी जांच करने का विषय है। इसके साथ ही यह भी बात निकलकर सामने आ रही है कि पुलिस का दहशत खत्म हो गया है बदमाशों के ऊपर, बदमाशों में क्या यही वजह है कि लगातार घटनाएं हो रही है, इसको भी देखने की जरूरत है, इसको भी सोचने की जरूरत है। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि गृह मंत्री ये बैठक लेकर, पुलिस विभाग की बैठक लेकर ये कह रहे हैं कि लगातार जो मामले आ रहे हैं उस पर अंकुश लगाया जाए, विजिबल पुलिसिंग की बात की जा रही है, तो वो चीजें क्यों नहीं दिखाई दे रही, क्यों लगातार ये घटनाएं हो रही है, इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। जया, शुक्रिया आपका उमेश जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा लग रहा है कि चाकूबाजी की घटनाएं आम हो चली हैं। ऐसे में जबकि लगातार बैठकें भी गृहमंत्री की ओर से ली जा रही हैं अपराधों पर लगाम लगाने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ अपराधों पर लगाम लग नहीं पा रही है।